नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इंडिया टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ALP में जो अब नेक्स्ट लेवल साइको टेस्ट होना है उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें आपको बताऊंगा कि उसमें कितने क्वेश्चंस आने हैं, कौन सा सर्टिफिकेट लेकर जाना है, अगर आप वो सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाते तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा, उसके बाद आपके कितने नंबर का टेस्ट होगा। साथ ही दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चंस का कितने क्वेश्चन बैटरी टेस्ट होंगे उसमें ये बताऊंगा, और क्वेश्चन का लेवल बताऊंगा कौन कौन से टाइप के आपके इसमें क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें उन्होंने साइको टेस्ट यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बताया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों देखते रहिए। दोस्तों ये है 13.3 जहां पर उन्होंने साइको टेस्ट के बारे में बताया है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर ALP। मतलब दोस्तों, ये साइको टेस्ट ओनली ALP स्टूडेंट्स के लिए होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। दोस्तों इससे पहले ये टेस्ट ऑफलाइन होता था, इस बार ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, यानी कि ऑनलाइन मोड में टेस्ट होने वाला है। यहाँ पर कोई कॉपी पेन नहीं चलेगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो बात कही है क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो द कैंडिडेट नीड टू सिक्योर अ मिनिमम स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज, यानी कि जितनी यहाँ पर टेस्ट बैटरीज होनी है, यहाँ पर दोस्तों 5 आपकी टेस्ट बैटरीज होनी है। तो वहाँ पर आपको हर एक टेस्ट में आपको 42 मार्क्स लेकर आना कंपलसरी है, मिनिमम है, ठीक है। टू क्वालिफाई करने के लिए 42 मार्क्स लेकर आना जरूरी है। दिस इज़ एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट एंड नो रिलैक्सेशन इज़ परमिटेड। यहाँ पर दोस्तों कोई भी रिलैक्सेशन अलाउड नहीं है। 42 मार्क्स सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो जनरल हो, SC हो, ST कोई भी मार्क्स हो, सबको 42 हर एक सेक्शन हर एक टेस्ट बैटरीज में लेकर आना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम नंबर ऑफ ALP वैकेंसी ऑफ ईच ऑफ द कम्युनिटीज़, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो साइको टेस्ट में आपके कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो ALP में आपकी जितनी वैकेंसी है उसका 8 गुना यहाँ पर उनको साइको टेस्ट के स्टूडेंट्स के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड फॉर बी कंप्यूटर टेस्ट 80 बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन पार्ट ए ऑफ द सेकेंड स्टेज CBT, ठीक है। पार्ट ए यानी कि जो आपका सेकेंड स्टेज में पार्ट ए पार्ट बी हुआ था, वहाँ पर आपके पार्ट ए में आपके जो अकॉर्डिंग है उसको अगर क्वालिफाई करते हो, साथ में आपका पार्ट बी भी क्वालिफाई होना चाहिए, तो आपको AT के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। उसके बाद दोस्तों, इसमें जो बात कही गई है फॉर एमंग द कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ALP, जिन्होंने ALP के लिए प्रेफरेंस अपनी डाली है, उनका ये साइको टेस्ट होगा, टेक्नीशियन वालों का साइको टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों बात की है सच शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस द विजन सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज पर Annex 6, यानी कि दोस्तों उन्होंने बात कही गई है यहाँ पर उनको विजन सर्टिफिकेट लेकर आना है। मैं बता रहा हूँ आपका कौन सा विजन सर्टिफिकेट होता है। तो दोस्तों ये है आपका विजन सर्टिफिकेट Annex 6, ये कि आपके नोटिफिकेशन में सबसे नीचे जो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस सर्टिफिकेट को आपको प्रिंट करना है, उसके बाद आपने आप सिटी के किसी भी आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर अपनी आई चेक कराकर अपना ये सर्टिफिकेट बना सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर यहाँ पर उसके साइन होंगे जो कि बिल्कुल अनिवार्य हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका आई के जो भी नंबर होगा वो शो किया जाएगा। उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट पूरा फिल करके आपको लेकर जाना है। तो दोस्तों ये सर्टिफिकेट आप अपनी जो नोटिफिकेशन है ALP का, उसमें नीचे जाकर Annex जो 6 है उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिए, और साथ ही आई स्पेशलिस्ट है ये ज़रूर कंप्लीट करवा लीजिए, ये साथ में आपको लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे बात कही गई है फेलिंग विच दे विल नॉट बी परमिटेड टू अपियर इन द कंप्यूटर बेस्ड AT, यानी कि जो स्टूडेंट्स ये सर्टिफिकेट को नहीं लाते हैं, विजन सर्टिफिकेट को एग्ज़ाम टाइम के पास नहीं लाते हैं, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको ये ले जाना होगा, और जो लेकर ये नहीं जाते हैं उनको अपियर होने नहीं दिया जाएगा इस साइको टेस्ट में, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको कंपलसरी है लेकर जाना है, ठीक है, विजन सर्टिफिकेट को। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरी, जितनी भी उसमें टेस्ट बैटरीज होनी है सब में आपको क्वालिफाई करना है। साथ ही उसमें लिखा है कंप्यूटर बेस्ड 84 कंसिडर्ड देम फॉर द पोस्ट ऑफ ALP, ये आपकी पोस्ट के ALP के लिए पोस्ट के लिए है, ठीक है। उसके बाद लिखा है द कंप्यूटर विद एप्टीट्यूड टेस्ट शैल वी हैव क्वेश्चन एंड आंसर ऑप्शन ओनली इंग्लिश एंड हिंदी। दोस्तों जो आपका जो एग्ज़ाम होना है कंप्यूटर बेस्ड, ये ओनली 2 लैंग्वेज में होगा जो कि होगी इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है।
केवल आपकी दो लैंग्वेज में है, इंग्लिश एंड हिंदी में आपका जो एप्टीट्यूड होगा। उसके बाद देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन एटी। यहाँ पर आपकी दोस्तों कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो दोस्तों आपके लिए आसान होगा। 42 नंबर लाना, प्रैक्टिस कीजिए, आपके नंबर इतने आ जाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद द ALP मेरिट लिस्ट बी ड्रॉन ओनली फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट को पार कर जाते हैं उसके बाद जो 70% वेटेज है वो पार्ट ए का होगा, सेकंड स्टेट CBT का। उसके बाद 30% वेटेज होगा जो होगा कंप्यूटर ATE का। उसके बाद आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी और फिर उस मेरिट में जो आता है उनका वो सिलेक्शन यानी कि मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात कर लेते हैं इनके जो ऑफिशियल साइट पर दिए गए जो है, तो इनके साइको टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके पैटर्न के बारे में चलिए एक बार हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है RDSO इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि इन्होंने नोटिफिकेशन में शो की गई है, उसमें जो बताया गया है चलिए देख लेते हैं पूरा प्रोसेस, में आपको सारे क्वेश्चन पैटर्न के बारे में पूरा पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है व्हाट सॉर्ट ऑफ टेस्ट यू विल हैव टू अंडरगो, यानी कि दोस्तों द एप्टीट्यूड टेस्ट हैव बीन डिजाइन फॉर डिफरेंट कैटेगरी, जॉब क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरी, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट लोको पायलट है और मोटरमैन, इनके लिए आपको जो आपका साइको टेस्ट होता है यानी कि ATE होता है ये आपको देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये वी गेट द राइट पीपल सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब, यानी कि इस टेस्ट को देने के बाद जो इनको रिक्वायर करते हैं पर्सन वो आप सुटेबल हो जाते हैं इस जॉब के लिए। दोस्तों इस तरह के जो आपको नोटिफिकेशन में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इंपॉर्टेंट जो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद चलिए मैं आगे बात करता हूँ। जब आगे आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको जो टेस्ट है वो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और असिस्टेंट लोको पायलट और मोटरमैन दोनों के लिए यहाँ दिया है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप वो आप आराम से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको सीधे क्वेश्चन लेवल पर देख सकता हूँ क्वेश्चन लेवल आपके किस तरह के आएंगे। दोस्तों जो आपकी 5 बैटरी टेस्ट होनी है, जो आपकी दोस्तों 5 बैटरी टेस्ट होनी है, यहाँ पर आप में जो सबसे पहले टेस्ट होता है टेस्ट फॉर मेजरिंग योर इंटेलिजेंसी, यानी कि यहाँ पर जो आपका टेस्ट होगा वो आपकी इंटेलिजेंसी को मेजर करने के लिए होगा कि आप कितना सोच सकते हैं, कितना जल्दी समझ सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस तरह का एक क्वेश्चन दिया गया होगा, वहाँ पर आपके 5 या 6 फिगर दिए जा सकते हैं, उनमें से एक अलग फिगर दिया होगा और आपको तुरंत की तुरंत यानी कि 3 से 4 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, वहाँ आपको बताना होगा कि इसका जो आउट कौन सा है, इनमें से आउट डिफरेंट कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्थ वाला डिफरेंट है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ आंसर बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह की एक बैटरी टेस्ट होगा जिसमें कि आपके इस तरह के क्वेश्चंस दिए होंगे, यानी कि इंटेलिजेंसी के आधार पर सेम इसी तरह के आपके अलग अलग क्वेश्चंस दिए होंगे जिसमें से कि आपको पहचानना होगा 4 सेम कौन से हैं और एक अलग डिफरेंट कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एक आपका पैटर्न यह है जिसमें से कि आपके करीब 50 से 100 क्वेश्चन दिए रह सकते हैं और इसमें दोस्तों बहुत ही कम टाइम दिया जाता है, 4 से 5 मिनट और 5 से 6 मिनट, यानी कि आपको लगभग हर एक क्वेश्चन के लिए 4 से लेकर 6 सेकंड तक का टाइम मिलता है बस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल होता है वो होता है टेस्ट फॉर मेजरिंग योर डेप्थ परसेप्शन, यानी कि आप कितना गहराई तक सोच सकते हैं। तो आपको डेप्थ परसेप्शन में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं एक ब्रिक्स के, इन दिस टेस्ट यू विल सी अ पाइल ऑफ ब्रिक्स विद सम ब्रिक्स नंबर ABC ETC, योर टास्क इज टू काउंट द नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट आर टचिंग ब्रिक ऑफ द पाइल दैट हैज अ लेटर ऑन इट, यानी कि इनमें से आपको ब्रिक्स बताना है कि कौन सी ब्रिक्स हैं जो टच कर रही हैं, तो इनमें से आपको टच उनका जो है आंसर देना है। तो आपको इस तरह से जो ब्रिक्स के आधार पर हैं वो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इनकी कुछ ट्रिक होती है ब्रिक्स की कि कैसे इसको काउंट करना है, मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आपको साइको टेस्ट के लिए प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो दोस्तों फिलहाल आप इतना ही समझिए कि आपका इसमें ब्रिक टेस्ट होने वाला है जिसमें आपके इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि नंबर ऑफ कितनी ब्रिक्स हैं जो टच कर रही हैं, कितनी ब्रिक्स हैं जो 2 ब्रिक्स को टच कर रही हैं। तो इसके आधार पर ऐसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, वो है डेप्थ परसेप्शन के आधार पर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं, नेक्स्ट लेवल है दोस्तों यहाँ पर है टेस्ट फॉर मेजरिंग योर कंसेंट्रेशन, मतलब यहाँ पर आपका जो कंसेंट्रेशन है उसके आधार पर यह टेस्ट रखा गया है। इसमें आपका कंसंट्रेशन देखा जाता है कि आपका जो ध्यान है वो किस तरफ है, कैसा है, कितना सोच सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जहां आपको नंबर दिए रहेंगे, यहां पर आपको एक नंबर दिए होंगे, इसके बाद आपको तुरंत हाल के हाल कंपेयर करना है, उसके बाद जो आंसर होगा आपका वो वाई यानी कि यस या नो, यानी कि आप देख सकते हैं 589 589 ये सही है, उसके बाद नेक्स्ट है 2768, तो जबकि यहाँ हो गया 2786। तो यही दोस्तों आपको 3 से लेकर 4 सेकंड में मेजर करना है कौन सा डिफरेंट है कौन सा सेम है।
तो दोस्तों आप देखिए, नेक्स्ट में है 364, थर्ड वाले में जो है 36463, जबकि यहाँ हो गया 62, तो ये डिफरेंट हो गया। तो दोस्तों इसका आंसर आप देख सकते हैं YNN, यानी कि यहाँ पर केवल और केवल दो सही है, कौन से, 712963, 712963 और बाकी सब गलत है। तो आपके इस जो आपके कंसंट्रेशन के आधार पर इसमें यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट बैटरी लेवल टेस्ट होना है वो है टेस्ट फॉर मेजरिंग योर परसेप्चुअल स्पीड के आधार पर, आप कितनी स्पीड के आधार पर आपका जो टेस्ट होना है इसमें, इसमें आपके दोस्तों परसेप्चुअल स्पीड के आधार पर दिए गए होंगे, यानी कि दो कॉलम दिए गए होंगे, उनमें से यहाँ पर आपको एक चूज करना है। उसके बाद चेक करना है कि इनमें से कौन सा वो लगभग मैच कर रहा है। दिस इज द टेस्ट हाउ रैपिडली एंड एक्यूरेटली यू कैन सी ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू मैच दैम, ठीक है। लुक एट द फर्स्ट वर्स एट द लेफ्ट, विच वन ऑफ द फाइव एट द राइट इज मोस्ट नियरली लाइक इट, यहाँ से सबसे पहले लेफ्ट देखना है, उसमें से राइट में चूज करना है कि कौन सा बस उसके नियरली एक्यूरेट है। दोस्तों आपका इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपके फोर्थ बैटरी टेस्ट में, इस प्रकार के टेस्ट जो बनते हैं, यानी कि परसेप्चुअल स्पीड के आधार पर आपको चूज करना पड़ता है। और दोस्तों ये भी आपको सब 3 से लेकर 5 सेकंड लगभग इतना ही टाइम दिया जाता है हर एक बैटरी टेस्ट में, यानी कि यहाँ पर आपके हर एक बैटरी टेस्ट में 50 से 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और लगभग हर क्वेश्चन के लिए 3 से 5 सेकंड का टाइम मिलता है। दोस्तों यहाँ पर आपकी जो स्पीड है वही मेजर करती है, और आपको कोशिश कीजिए आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट फॉर मेजरिंग योर पर्सनालिटी, ठीक है। आपके जो टेस्ट होता है वो पर्सनालिटी के हिसाब से होता है, तो आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। आई प्रिफर पीपल हु आर, तो रिजर्व्ड, इन बिटवीन, मेक फ्रेंड क्विकली, तो दोस्तों इस तरह के आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आपको आंसर देना होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हाउ टू रिकॉर्ड योर आंसर इन पेपर पेंसिल मोड, तो ये तो था पेपर पेंसिल मोड के लिए, अब आपका जो टेस्ट होना है वो होना है क्या, CVT मोड में। तो दोस्तों यहाँ पर उसके बारे में दिया गया, आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे अपने आंसर को, तो इन कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड योर आंसर बाई क्लिक इन माउस ऑन वन ऑफ अल्टरनेटिव फॉर अ क्वेश्चन। अ मॉक टेस्ट विल बी अवेलेबल बिफोर एप्टीट्यूड टेस्ट सो दैट यू कैन गेट फैमिलियर विद द टेस्ट। द आंसर मार्क्ड कैन बी चेंज इन द टेस्ट विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफिकेशन फॉर द टेस्ट, यानी कि दोस्तों इसमें कहा गया है आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें अगर आप कोई आंसर सेलेक्ट करते हैं तो आप वो माउस के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों आपका जो टाइम दिया होगा अगर उस टाइम में अगर आप चेंज कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो आपका क्वेश्चन चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके साथ ही दोस्तों उन्होंने कहा है कि आपका जो मॉक टेस्ट है वो भी आपके साइको टेस्ट से पहले अवेलेबल साइट पर कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ पर अपने परफॉर्मेंस में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था, उसके बाद दोस्तों इसमें कुछ नोट्स कंडीशन दिए गए हैं जिसमें आप देख सकते हैं बिफोर द सीजन एट द सीजन आप नंबर ज़्यादा करने के लिए क्या करें, ठीक है दोस्तों। तो आप ये नोटिस को पढ़ लीजिए, आप वेबसाइट पर जाकर अपने से देख लीजिए। दोस्तों मैंने आपको जितना इंपॉर्टेंट नोटिस था वो आपको बता दिया गया है, तो आप साइको टेस्ट के लिए अभी से लग जाइए और अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस कीजिए, अभी से प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आप अपनी स्पीड को कंटिन्यू या मेंटेन रख पाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।